इधर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर रिम्स में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी शामिल होकर लोगों को कई संदेश दिए और कहा कि आप हेपेटाइटिस को इग्नोर मत कीजिए, टीके भी लगवाइए। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर रिम्स के ट्रॉमा सेंटर सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रिम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर छात्र छात्राओं ने लोगों को हेपेटाइटिस बीमारी से बचने के लिए जागरूकता नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की। रिम्स में आयोजित कार्यशाला में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेपेटाइटिस की बीमारी नहीं समझना ही इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। हर साल इस बीमारी से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इस डे के दिन हम आए हैं और आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस 5 प्रकार की है और जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी वो ज़्यादा घातक है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पांचों ही के लिए आदमी को सोचना चाहिए, क्योंकि ए और ई से पीलिया जॉन्डिस हो जाता है तो वो तो थोड़ा अवेयरनेस का विषय है, लेकिन बी और सी के जो आंकड़े हैं ये काफ़ी भयावह आंकड़े हैं और हम लोगों ने करीब अभी 45,000 सैंपल कलेक्ट किए थे। हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है। ये बीमारी सीधे मरीज के लीवर को नुकसान पहुंचाता है। हेपेटाइटिस ए बी और सी कई तरह के होते हैं। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि भारत में 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस से ग्रसित हैं। लोगों तक इसका फायदा पहुंच नहीं रहा, इसलिए यह दिन महत्वपूर्ण है कि लोगों में जानकारी की कमी है और उस जानकारी को हमें धीरे धीरे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वो जो भी सरकार ने उपाय उपलब्ध करा रखे हैं उसको वो उसका फायदा उठा सके। हेपेटाइटिस के कई कारण हो सकते हैं। जानलेवा इस बीमारी से बचने के लिए हमेशा स्टरलाइज इंजेक्शन का प्रयोग करें, खुद के रेजर और ब्लेड का प्रयोग करें। सुरक्षित संभोग जरूरी है। बच्चों को हेपेटाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। डॉक्टरों की राय से एंटीबॉडीज के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लें। हमेशा स्टराइल इंजेक्शन का प्रयोग करें, खुद के रेजर और ब्लेड का प्रयोग करें। सुरक्षित संभोग जरूरी है। बच्चों को हेपेटाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। डॉक्टरों की राय से एंटीबॉडीज के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लें। वहीं हेपेटाइटिस दिवस के इस कार्यक्रम में बेहतर सेवा देने वाले चिकित्सकों के साथ साथ हेपेटाइटिस की बीमारी से लड़कर ठीक होने वालों को सम्मानित किया गया। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।